आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। छेड़छाड़ की शिकायत करने पहुंची ट्रांसजेंडर का आरोप, पुलिस ने मांगा जेंडर सर्टिफिकेट। मुंबई के दादर स्टेशन पर एक महिला ट्रांसजेंडर से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक 50 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब वह आरोपी को पकड़कर JRP के पास पहुंची तो उन्होंने उनसे जेंडर सर्टिफिकेट मांगा। बकौल शिकायतकर्ता वे सबूत चाहते थे कि मुझे उत्पीड़न की शिकायत करने का हक है या नहीं। शिकायतकर्ता द्वारा सर्टिफिकेट दिखाने पर दर्ज की गई FIR। शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लगाए हैं आरोप। शराब पीने और छोटी ड्रेस पहनने से इनकार पर पति ने दिया 3 तलाक। यह खबर पटना से दर्शाई जा रही है। पटना बिहार की एक महिला का दावा है कि मॉडर्न लड़की बनने, शराब पीने, नाइट पार्टी में जाने और छोटी ड्रेस पहनने से इनकार करने पर उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। महिला ने कहा, कई वर्षों तक मुझे प्रताड़ित करने के बाद कुछ दिन पहले उसने मुझे घर छोड़ने को कहा, इनकार करने पर 3 तलाक दे दिया। अपना इंटरव्यू देने के लिए निर्भया के दोस्त ने लिए थे 70,000 रुपए। मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर 2013 में निर्भया के दोस्त का इंटरव्यू करने के लिए उसके चाचा ने 70,000 मांगे थे। बतौर अजीत यह रकम निर्भया के दोस्त के सामने ही दी गई और यह सब खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। निर्भया का यह दोस्त वारदात वाली 16 दिसंबर 2012 की रात उसके साथ था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एवरेस्ट हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।